हाय एवरीवन, तो स्वागत है फिर से आपका मेरे एक नए वीडियो में। अगर दोस्तों आप भी मेरी तरह नए यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो दोस्तों मैं आज ऐसे 50 निश के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस पर आप अपने वीडियो बनाकर वायरल कर सकते हैं और लोग बनाते हैं उस पर और बहुत सारे रुपये कमा सकते हैं। इस पर ज़्यादा व्यू जाएगा और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ने के चांसेस है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से ऐसा निश है जिस पर आप अपना वीडियो बनाकर बहुत तेज़ी से वायरल कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला है टीचिंग, एलिमेंट्री, मिडिल क्लास, हाई स्कूल। यानी दोस्तों जो पहला टीचिंग है, आजकल टीचिंग में लोग जैसे एलिमेंट्री हो गया, एलिमेंट्री पर लोग वीडियो बनाते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, छोटे बच्चों को पढ़ाना रहता है। और चार्ट इसमें ले लीजिए और चार्ट पर आप बता सकते हैं लोगों को, छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। रोज़ आप चार्ट को चेंज करके पढ़ा सकते हैं, उस पर ए फॉर एप्पल वाला चार्ट लगा सकते हैं, ख से ज्ञ तक वाला चार्ट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा कर पढ़ा सकते हैं। मेरा भी एक टीचिंग चैनल है जो कि अभी आपको बोर्ड पर दिख जाएगा, और मैं भी एक टीचिंग चैनल पर पढ़ाता हूँ। और दोस्तों इसमें आप मिडिल क्लास, हाई स्कूल, कोई भी क्लास के बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं और पढ़ा कर बहुत सारा व्यू ले सकते हैं। जैसे आजकल आप सुने होंगे फिजिक्स वाला जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, और दूसरा सुने होंगे खान रिसर्च सेंटर, इनका भी चैनल पर लगभग 16 मिलियन सब्सक्राइबर है। इन लोग स्टार्ट किए थे आजकल लॉकडाउन में, ये स्टार्ट किए थे छोटे चैनल से और आज साल दो साल में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। दोस्तों दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। आप प्रोफेशनल स्किल पे भी वीडियो बना सकते हैं और एक चैनल बना के उसको भी अपने चैनल पर अपलोड करके बहुत ज़्यादा व्यूज ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई होता है कुकिंग में एक्सपर्ट जो कुक करता है, कोई टीचिंग में एक्सपर्ट होता है टीच करता है, कोई योगा एक्सपर्ट है, कोई सेल्स मार्केटिंग है, स्टार्टअप है, कोई डिजिटल मार्केटिंग है, कोई अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता है। आजकल तो अफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप भी अफिलिएट मार्केटिंग करके लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। कोई वीडियो का अफिलिएट कीजिए, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए और उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए और वहाँ से लोग खरीदेगा, आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। तीसरा है दोस्तों फिटनेस चैनल, प्रोडक्ट फिट विदाउट जिम। यानी इसमें बताया जाता है दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो फिटनेस रिलेटेड चैनल बनाते हैं, अपना जिम चलाते हैं, जिम का वीडियो बना के डालते हैं। और कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिटनेस के बारे में बताते हैं विदाउट जिम, यानी प्रोडक्ट से, कोई पाउडर हो गया या कोई जो प्रोटीन आता है उसको लेने से कैसे शरीर बनता है या कैसे आपका जो फैट है वो कम होता है। दोस्तों इससे रिलेटेड वीडियो बना के बहुत सारे लोग अपने चैनल को ग्रो कराते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज आता है और उससे बताते हैं लोगों को कि कैसे फिट रहे। आजकल आप जान ही रहे कि किसी के पास टाइम नहीं है अपने जिम जाने के लिए, हो गया सुबह सुबह कह दीजिए किसी को भागने दौड़ने के लिए, योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, तो आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। पूरा दिन वो मोबाइल पर बिता देगा लेकिन एक घंटा एक्सरसाइज नहीं करेगा, मोबाइल पर ही देखेगा कि अपना फैट कैसे कम करें, ये कैसे करें, और वहीं से प्रोडक्ट खरीद के उन लोग यूज करता है। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो करने का चांस है, वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज आता है और चैनल ज़्यादा ग्रो करता है। दोस्तों चौथा है कॉमेडी चैनल, वाइंस। यानी इस पर आप कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो बना के बहुत तेज़ी से वायरल हो सकते हैं और अपना वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज पा सकते हैं। आप तो जानते ही होंगे आजकल जो कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं जैसे मनी मिराज, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो मनी मिराज को नहीं जानता होगा, कितना इन लोग साल भर में कितना ज़्यादा आगे पहुँच गए और कितना ज़्यादा ग्रो कर लिए और कैसे अपने चैनल को ग्रो करा लिए। और दूसरा है द मृदुल करके जो कि वो भी कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो बनाता है। तीसरा है अमित भड़ाना। बहुत सारे ऐसे कॉमेडियन है जो कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, उनके वीडियो पर लाखों करोड़ों में व्यूज जाता है। दोस्तों पांचवा अनबॉक्सिंग पर वीडियो बना सकते हैं, छठवा है बॉलीवुड गॉसिप पर वीडियो बना सकते हैं, सातवां है स्पोर्ट्स। आजकल स्पोर्ट्स का जो चैनल है बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, स्पोर्ट्स लोग देखते हैं, क्रिकेट होने लगा, आईपीएल होने लगा, वर्ल्ड कप होने लगा, इसका वीडियो लोग छोटा छोटा पार्ट रिकॉर्ड करते हैं और अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा व्यूज आता है। आठवां फैशन। फैशन से आजकल आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग फैशन, फैंसी ड्रेस पहनते हैं, फैंसी एक से एक जीन्स कपड़ा खरीदते हैं और उसको आपको कुछ नहीं करना है, बस वही जो कपड़ा आप खरीदते हैं उसके बारे में आपको बताना है कि ये मैंने यहाँ से लिया, इतने कपड़ा, ये बहुत अच्छा है, बस लोग वही देखेंगे और खरीदेंगे, इस पर भी बहुत ज़्यादा चैनल ग्रो करता है। दोस्तों नवा है म्यूजिक, म्यूजिक से रिलेटेड जो वीडियो बनाता है। दोस्तों कितने लोग होते हैं जिसको सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, वो कुछ नहीं करते हैं, बस एक माइक ले लेंगे और गाएंगे और अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, उन लोग का तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अगर वो जो मान के चलिए सिंगिंग करते हैं, गा के अपने चैनल पर डाले, अगर वहाँ से उनका वायरल होगा तो बहुत सारे उस सिंगर आइडोल में चले जाते हैं, आइडोल इंडिया में जाएंगे और वहाँ से बहुत ज़्यादा नाम और फेम कमाते हैं। जैसे आजकल आप देखे होंगे कि सिंगर में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए सलमान अली हो गए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गा के बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। दसवां है दोस्तों चैलेंज। चैलेंज तो आप आजकल देखे ही होंगे, कोई लोग आता है किसी होटल पर चला गया, चाहे किसी फुल्की दुकान पर चला गया, दो भाई बहन है या कोई दो दोस्त है, चले जाएंगे और खड़े हो जाएंगे और 10-10 फुल्की दोनों ले लेंगे और बोलेंगे कि 10 सेकंड में या 5 सेकंड में या 15 सेकंड या कौन सबसे पहले दोनों को ख़त्म करता है।
ये जो वीडियो है दोस्तों आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, इस पर भी आप वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा व्यूज पा सकते हैं और आपका चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है दोस्तों। 11वां है ब्लॉग्स। देखिए दोस्तों ब्लॉग दो तरह का होता है, पहला ब्लॉग है वीडियो ब्लॉगिंग और दूसरा होता है ब्लॉग राइटिंग, यानी जो हम लोग यूट्यूब हो गया चाहे गूगल पर जो हम सर्च करते हैं कोई भी कंटेंट हो गया, मान के चलिए हम सर्च करते हैं तो गूगल हमें खुद नहीं देता है, वो कोई लोग रहता है, हम लोग जैसा ही कोई लोग रहता है जिसके पास नॉलेज है, वो अपने नॉलेज को वहाँ शेयर करता है और अपने नॉलेज को मोनिटाइज करके उससे पैसे कमाता है। कोई भी चीज़ हम लोग सर्च करते हैं फटाक से आ जाता है, वो भी कोई जिसके पास जानकारी है वो अपना नॉलेज लिखता है और उसके अपने नॉलेज को मोनिटाइज करके पैसे कमा रहा है दोस्तों, लाखों करोड़ों रुपए इससे कमाते हैं ब्लॉगिंग करके। और दूसरा है वीडियो ब्लॉगिंग। वीडियो ब्लॉगिंग तो आप लोग देखे ही होंगे, बहुत सारे लोग हैं जहाँ जाएंगे वहाँ अपना ब्लॉग वीडियो ऐसे रिकॉर्ड कर लेंगे, कई वो ट्राइपॉड ले लेंगे चाहे मोबाइल दोस्त से पकड़ा लेंगे और बताएंगे कि ये देखिए मैं ताजमहल घूमने आया, ये ताजमहल है, ये है, वो है, उसके बारे में बताएंगे और वीडियो अपलोड कर लेंगे। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल होता है, आप आजकल सुने होंगे एक सौरभ जोशी नाम के, ये भी बहुत ज़्यादा इनका केवल ब्लॉग आता है, बहुत तेज़ी से वायरल होता है इनका ब्लॉग, 5 मिलियन 10 मिलियन इनका एक दिन में व्यूज जाता है, इनके चैनल को लगभग 16 मिलियन सब्सक्राइबर है दोस्तों। बढ़ावा है फ्रेंड्स। आजकल दोस्तों शहरों में आप देखे होंगे पार्क में जहाँ कोई दो लोग बैठे रहते हैं, तीन लोग बैठे रहते हैं, लोग वहाँ पर जाकर फ्रैंक करते हैं, फ्रैंक मतलब मजाक करते हैं, उनका रिएक्शन चेक करते हैं कि कैसे मतलब वो रिएक्ट करता है, कोई मान के चले किसी के पास नकली सांप रख देंगे, किसी के पास शेर रख देंगे नकली, और उससे चेक करते हैं कि मतलब कैसा रिएक्ट कर रहा है दोस्तों। इस पर भी आप वीडियो बना के बहुत तेज़ी से वायरल हो सकते हैं। 13वां है टाइम लैप्स। 14वां है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट वीडियो करके भी आप बहुत कमा सकते हैं पैसा और उससे बहुत तेज़ी से वायरल हो सकते हैं। 15वां है दोस्तों इंटरव्यू। आजकल आप देखे होंगे कोई भी एक माइक लेगा कहीं पर भी घुस जाएगा, कहीं पर घुस के उसमें पूछने लगते हैं कि ये बताइए ये कैसे हुआ, चाहे आप एक छोटा सा चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और आप घर पर भी बैठ के काम कर सकते हैं दोस्तों, किसी और के थ्रू अपना काम करवा सकते हैं, उसको आप कहीं पर भेज के चाहे अपने आप ही अपने भी किसी भी फेमस यूट्यूबर को बुला के इंटरव्यू ले लीजिए, चाहे कोई पढ़ने वाला अच्छा खासा लड़का तो उसको बुला के पूछिए कि आप कैसे पढ़ते हैं, कोई टॉपर है तो उसको बुला के पूछ सकते हैं कि आप कैसे टॉप किए, दिन में कितने घंटा पढ़ाई करते थे, अपने गांव में भी रह के काम आप कर सकते हैं, मान के चले कोई कभी प्रधान जी को बुला लीजिए अपने गाँव के प्रधान से, कभी नेता जो आते हैं विधायक जी, कभी थाना में चले जाइए थाना के अध्यक्ष से पूछ लीजिए कि आजकल क्राइम रेट क्या चल रहा है, जो छोटा छोटा बात है मतलब ये अपने आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं, पढ़े लिखे टीचर से भी पूछ सकते हैं और आप इससे पूछ के बहुत तेज़ी से अपना वीडियो को वायरल कर सकते हैं और इससे आपका बहुत ज़्यादा जान पहचान भी बन जाएगा। कई लोग तो आप देखे होंगे कि बड़े बड़े यूट्यूबर को केवल बुलाते हैं और उनका इंटरव्यू लेके बहुत सारे अपना वीडियो पर व्यूज पाते हैं और उससे अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। 16वां है प्रॉपर्टी वीडियो। प्रॉपर्टी वीडियो जो है पहले तो आप देखे होंगे कोई भी जो प्रॉपर्टी डीलर रहता था वो अपना प्रॉपर्टी अगर उसको बेचना है तो पहले प्रॉपर्टी को आता, ब्रोकर को लाता, प्रॉपर्टी उसको दिखाता, बताता, बोलता कि ये प्रॉपर्टी हमारा बिकवाना है, वो प्रॉपर्टी डीलर जो ब्रोकर रहता था इससे भी कमीशन लेता, जिसको खरीदवाता उससे भी कमीशन लेता, यानी दोनों तरफ से कमीशन कमाता और बेचने वाला को इसमें मान के चलिए घाटा होता चाहे खरीदने वाला को भी कुछ लॉस होगा करेगा, मान के चलिए दोनों तरफ देगा ब्रोकरेज चार्ज तो उसका तो कुछ लॉस होगा ही, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है दोस्तों। अपना मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी बेचना है उसका रिकॉर्डिंग कीजिए, वीडियो बनाइए, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दीजिए, यूट्यूब चैनल पर डालिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, किसी को अगर खरीदना हो तो वहीं से देखेगा, आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करेगा और डायरेक्ट सेल कर लेगा विदाउट ब्रोकरेज। तो देखिए 17वां है फैक्ट्स वीडियो। डे टू डे यानी फैक्ट वीडियो। आजकल लोग है कि फैक्ट वीडियो बना के बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे A2 मोटिवेशन सर, A2 जो अरविंद अरोड़ा सर है वो बहुत जल्द बहुत कम समय में अपने YouTube चैनल पर लगभग 16-17 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं, वो केवल फैक्ट वीडियो बनाते हैं, छोटा छोटा फैक्ट वीडियो बनाते हैं और उससे बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं। इसमें आप कोई पुराना स्टोरी पुराना बहुत पुराना जमाना के फैक्ट को बता सकते हैं या तो जो डे बाई डे नया अपडेट आता है उस पर भी आप वीडियो बना के बता सकते हैं। ज़्यादातर आप आज के मतलब वीडियो बना रहे हैं तो उस पर डे बाई डे जो अपडेट आ रहा है उस पर वीडियो बनाइए। 18वां है लाइफ हैक। 19वां है ब्यूटी से रिलेटेड आप वीडियो बना सकते हैं, जैसे आप बहुत सारे देखे होंगे छोटे छोटे जो लोग होते हैं मतलब छोटे परिवार से बिलोंग्स करते हैं, जैसे कोई महिलाएं हो गई, इन लोग अक्सर शादियों में जाते हैं मेहंदी लगाने या ब्यूटीशियन में काम करने, इन लोग भी ऑनलाइन अपना एक चैनल बना के इस पर ब्यूटीशियन से रिलेटेड नॉलेज दे सकते हैं, कैसे अपने फेस को क्लीन रखें, कौन सा क्रीम यूज करें, ये सब बहुत आजकल लोग यूट्यूब पर ही केवल सर्च करके खरीदते हैं, ज़्यादातर किसी से पूछेंगे नहीं, केवल यूट्यूब पर सर्च करेंगे और देखेंगे और वहीं से आप लिंक में अगर कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करने का अगर मान के चलिए आपको ऑफर मिलता है तो वहीं से आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और वहीं से लोग खरीदेगा, तब उससे आप एफिलिएट मार्केटिंग करके भी कमा सकते हैं और आप अगर वीडियो पर व्यूज आ रहा है गूगल एडसेंस से सबसे भी आप
कमा सकते हैं। तो इस पर भी बहुत 400 दोस्त बहुत लोग इस पर भी बनाते हैं। बीसवा है प्रोडक्ट कंपैरिजन। प्रोडक्ट कंपैरिजन जैसे दोस्त अगर मान के चलिए कोई मोबाइल खरीदना चाहता है, मान के चलिए मुझे मोबाइल एक खरीदना है, तो मैं सोचूंगा कि रियलमी की खरीदूँ कि ओप्पो खरीदूँ। तो देखते होंगे आप कि यूट्यूब पर वीडियो रहता है कि दो लोग मोबाइल लेके आएगा, एक लोग आएगा दो मोबाइल लेकर बोलेगा कि ये देखिए ये ओप्पो का है, ये रियलमी का है, इसमें 18 GB यानी इंटरनल मेमोरी क्या कहते हैं 32 GB है, इसमें 16 GB है, इसी करके उसका पूरा प्रॉपर्टी बता देगा, उसका प्राइस बता देगा, उसका कैमरा क्वालिटी बता देगा, उसका वीडियो क्वालिटी बता देगा, बस यही बताना है। कंपैरिजन दोनों कर देगा कि ये अच्छा है ये ख़राब है, इसको लीजिए इसको लीजिए, यानी बस वो कंपैरिजन करके अपना बता देगा। 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना के तुरंत अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देगा। और बहुत सारे लोग देखते भी हैं, मान के चलिए आपको कोई सस्ता सामान खरीदना है, मान के चलिए हमको ये मार्कर खरीदना है, तो मार्कर खरीदने के लिए तो हम नहीं देखेंगे, डायरेक्ट जाके उसको मार्कर से खरीद लेंगे। लेकिन अगर किसी को मोबाइल होगा खरीदना, एप्पल का फोन होगा खरीदना, कोई लैपटॉप होगा खरीदना, तो जरूर यूट्यूब पर सर्च करता है, गूगल पर सर्च करेगा और कंपैरिजन करके देखेगा कि कौन लैपटॉप कौन सा मोबाइल अच्छा है, तब जाकर वो खरीदेगा। महंगा प्रोडक्ट खरीदेंगे 1 लाख 1.5 लाख 20 हज़ार 50 हज़ार का तो जरूर देखेगा लोग और देख के ही खरीदता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होता है और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है चैनल। एक ऐसा है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग आजकल तो जानी रहेंगे हर चीज़ में वीडियो एडिटिंग, अगर मैं ये कुछ बता रहा हूँ तो इसको भी पहले मैं एडिट करूँगा तब जाकर अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो वीडियो एडिटिंग का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, हर क्षेत्र में इसका स्कोप है, आप जान ही रहे होंगे। जैसे आज आपका आजकल आप सुने होंगे कि KGF जो मूवी आई है KGF Chapter 2, उसका जो एडिटिंग है 16 साल का बंदा किया, 16 साल का लड़का किया, वो पहले से एडिटिंग करता था, उसका इंटरेस्ट उसमें था और यूट्यूब पर वो अपना वीडियो अपलोड करता था, वहीं से वो चला गया एडिटिंग में और बहुत अच्छा एडिट किया होगा, आप लोग तो देखे ही होंगे। बाईसवा है ग्राफिक। आप ग्राफिक डिजाइनिंग पर भी कोई चीज़ बना सकते हैं, ग्राफिक एक से एक डिज़ाइन बना सकते हैं और उससे भी आप अपना चैनल पर अपलोड करके उस पर भी वीडियो बना सकते हैं और बहुत तेज़ी से वायरल हो सकते हैं। और 23वां है दोस्तों फिल्म, यानी फिल्म पॉडकास्ट करना, यानी कोई भी नया मूवी आया चाहे आने वाला है, बस उस मूवी को आपको देखना है, कुछ पार्ट उठाना है और यूट्यूब चैनल पर डाल देना है और बताना है कि ये मूवी बहुत अच्छा है, इसको IMDb पर कितना रेटिंग मिला है, यानी इसमें कितना लागत लगा था, इसमें कौन कौन से एक्टर काम किया है, कौन इसका डायरेक्टर, बस यही बताना है। बहुत सारे लोग इसको भी देखते हैं, बहुत सारा व्यूज इस पर भी आता है, आप देखे होंगे बहुत सारे नए नए लोग आते हैं और किसी भी फिल्म अगर कोई नया फिल्म अगर रिलीज होने वाला है उस पर वीडियो बनाएंगे और बहुत ज़्यादा उस पर भी व्यूज आता है, इस पर भी आप वीडियो बनाकर बहुत तेज़ी से वायरल हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला दोस्तों। 24वां है गिव बिजनेस एडवाइस। यानी दोस्तों आप जान रहे हैं कि आजकल के जो युवा है उनको नौकरी से ज़्यादा बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि नौकरी के पीछे भाग भाग के परेशान हो गया है। आप तो देख ही रहे हैं पिछले कई सालों से सरकारी जॉब का जो फॉर्म है जल्दी निकलता ही नहीं है, जो निकलता है तो पेपर ही लीक हो जाता है। इससे जो युवा है दोस्तों कि वो नौकरी के ज़्यादा बिजनेस पर फोकस कर रहा है, इसलिए जो बिजनेस पर एडवाइस देते हैं उन लोग का चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, उन लोग के वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज आता है। जैसे आप नाम सुने होंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो गए, इनका वीडियो पर कितना व्यूज आता है, बहुत ज़्यादा व्यूज आता है, इन पर लगभग 19 मिलियन सब्सक्राइबर है। सोनू सर का नाम सुने होंगे, संदीप महेश्वरी सर का नाम सुने होंगे, उनका वीडियो देखे होंगे, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो कि संदीप महेश्वरी सर का वीडियो नहीं देखा होगा। और इन लोग केवल बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, उस पर मोटिवेशनल वीडियो बिजनेस से रिलेटेड बात को बताते हैं और वीडियो बनाकर उसको अपने चैनल पर डालते हैं। इनका चैनल लगभग बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, बहुत ज़्यादा इनका चैनल ग्रो करता है और बहुत ज़्यादा व्यूज भी आता है, लगभग 20 मिलियन सब्सक्राइबर है। 25वां आप हेयर ट्यूटोरियल से वीडियो बना सकते हैं। 26वां है क्लॉथ टिप्स पर वीडियो बना सकते हैं, कोई भी कपड़ा कहाँ से खरीदे हैं, कैसा है, ये है वो है, आप लोग जान ही रहे होंगे कि आजकल लोग दूसरे से पूछने से ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च करते हैं, इस पर भी आप वीडियो बना सकते हैं। हेल्दी फ्रूट्स के बारे में बता सकते हैं, आप न्यूज चैनल खोल सकते हैं जिस पर केवल गाँव में क्या न्यूज हो रहा है, कहाँ पानी आ रहा है, कहाँ बाढ़ आया, कहाँ सूखा पड़ा, कहाँ लड़ाई हुआ, बस यही सब चीज़ न्यूज पर उठाकर डालना है और आप एक न्यूज़ चैनल बनाकर उस पर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग हैं कि जो न्यूज़ बना बनाकर बहुत वायरल हो जाते हैं और बहुत उस पर भी अर्निंग कर लेते हैं आसानी से। 29वां वेब सीरीज, शॉर्ट मूवी, शॉर्ट फिल्म्स। आजकल तो आप देखे होंगे यूट्यूब पर आप भी बना सकते हैं, हर कोई बना लेता है, हर कोई बना भी रहा है, बहुत सारे शॉर्ट फिल्म 20 मिनट 15 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के बनाते हैं और बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं। जैसे रन टू हेल हो गया और बहुत सारे ऐसे चैनल है जो कि शॉर्ट फिल्म बना बना के बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं और बहुत इन पर व्यूज भी आता है और इससे लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं महीने के। और दोस्तों अगला देखिए है फूड ब्लॉगिंग। यानी फूड ब्लॉगिंग में क्या होता है कि दो लोग बैठ जाते हैं और देखते हैं कौन ज़्यादा खाता है और कितने समय में खाता है, इसको भी आप वीडियो में रिकॉर्डिंग कीजिए और इसको भी आप डाल सकते हैं। और आप तो हर जगह देखते होंगे, कहीं भी गए शादी ब्याह हर जगह ये सब लोग मिल ही जाते हैं,
और इसका भी आप रिकॉर्डिंग करके अगर चैनल पर डालते हैं तो आपका चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। ये भी एक टॉपिक है दोस्तों। 31वां है स्टार्टअप न्यूज बायोपिक, इस पर भी आप वीडियो बना सकते हैं। 32वां है केस स्टडी, यानी आप केस स्टडी पर भी वीडियो बना सकते हैं। बहुत सारे महान फ्रीडम फाइटर, बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, और मान के चले जो फ्रीडम फाइटर है भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, इनके आप बायोपिक बना के भी अपने चैनल पर बहुत सारा व्यूज पा सकते हैं और अपने चैनल को ग्रो करा सकते हैं। 33वां है चार्ट ग्राफिक्स, और जो 34वां है ई बुक। आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ अपना ई बुक भी बनाते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से भी आप जैसे अपना ई बुक बेच के और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ई बुक जो है दोस्तों सभी लोग लगभग बनाते हैं, जो पढ़ाते हैं उन लोग पढ़ाते हैं और उसका ई बुक तैयार कर लेते हैं। और मान के चलिए अगर आप एक बार ई बुक बना के अपने कोर्स को मान लीजिए सेल कर दिए, तो सोचिए आप जब तक कोर्स आपका बिकता रहेगा तब तक आप आराम से अर्निंग करते रहेंगे, कोई काम नहीं। केवल एक बार काम करना है, उसको अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए कि यहाँ से हमारा कोर्स खरीदे। आप अपना मिनिमम पैड कोर्स रख सकते हैं, उस पर जितना आपको चाहिए उतना का कोर्स रख सकते हैं, यानी 100 रुपये से लेकर 200, 500, 1000, 10, 20, 5 जितना का आपका कोर्स रखने का मन है उतना का रख सकते हैं, और इससे भी आप बहुत सारा कमा सकते हैं। टीचिंग का चैनल तो आजकल जान ही रहे, लॉकडाउन के बाद जब से कोरोना वायरस आया था, लॉकडाउन के बाद तब से केवल ऑनलाइन पढ़ाई पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, लोग किताब से ज्यादा मोबाइल से पढ़ रहा है। 35वां ईमेल न्यूज़लेटर ऑटो रिस्पॉन्स, इस पर भी बना सकते हैं कार्टून। आजकल तो आप जान ही रहे होंगे कि जहां भी चले जाइए, शादी ब्याह या कहीं, बच्चे केवल मोबाइल में ही घुसे रहेंगे और केवल कार्टून ही सर्च करेंगे। तो कार्टून का जो चैनल है बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, और कार्टून चैनल हमेशा ग्रो होगा क्योंकि बच्चे जान ही रहे हैं कि हर समय बच्चे रहेंगे, हर समय वीडियो देखेंगे, और कार्टून का जो चैनल है बहुत तेजी से ग्रो होता है। और कार्टून लोग बड़े बड़े लोग भी देखते हैं, जैसे आजकल एक्टे आता है समोखन वाला, आप सुने होंगे नाम, ये बहुत फनी वीडियो बनाता है इन लोग, और जिसका चैनल का नाम शायद कॉमेडी किंग है, और उस पर भी बहुत कार्टून लोग वीडियो कॉल बनाते हैं, उसको बड़े लोग भी देखते हैं, मैं खुद उसको देखता हूँ। और देखिए 37वां है बुक समरीज, यानी कोई बुक का कोई चैप्टर है उसके समरी के बारे में बता सकते हैं ये बुक कैसा है। और 38वां है टूल्स रिव्यू, यानी कोई उपकरण है मान के चलिए ये फैन है, तो फैन के बारे में बताइए कि कौन सा फैन ले, कौन फैन अच्छा है, कौन फैन खराब है, कौन फैन ज़्यादा टिकाऊ है, कौन फैन का कस्टमर केयर जल्दी है क्विक मान लीजिए सर्विस देता है खराब होने पर, किसका गारंटी ज़्यादा रहता है, इसका आप मतलब रिव्यू बना कर डाल सकते हैं। लोग इसको भी बहुत तेज़ी से देखते हैं और बहुत तेज़ी से भी वायरल होता है। 39वां है वेबिनार, 40वां है डे इन द लाइफ ऑफ पोस्ट, 41वां है इन्फोग्राफिक्स पर भी आप वीडियो बना सकते हैं, 42वां है लिस्ट, और 43वां है माइंड मैप्स, 44वां है ऑनलाइन गेमिंग। आजकल तो आप देख ही रहे होंगे गेम में ऑनलाइन में पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, कैंडी क्रश, ये सब बहुत सारे लोग गेम दिन रात लगे रहते हैं उसमें, जब तक मोबाइल चार्ज है तब तक खेलते रहेंगे पबजी। आजकल शायद पबजी बैन हो गया, लेकिन फिर भी खेलने वाले कहाँ कहाँ से डाउनलोड करके खेलते रहते हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है चैनल ग्रो करने का। 45वां पॉडकास्ट है, 46वां कोट्स वाला है, यानी छोटे छोटे कोट्स आप पॉजिटिव कोट्स बता के लोगों को, इससे भी आपका चैनल ग्रो हो सकता है, इस पर भी आप वीडियो बना सकते हैं। 47वां क्विज, यानी दो क्वेश्चन इसमें शायद पूछा जाता है क्विज से रिलेटेड, यानी दो क्वेश्चन रहेगा उसमें छाटना रहता है कौन सही है कौन गलत है। और 48वां पोल्स से रिलेटेड सब वीडियो बना सकते हैं, यानी कोई वोटिंग वाला पोल्स चलता है, यानी कोई प्रश्न पूछती है उसमें चार ऑप्शन दे देते हैं, उसमें मतलब कौन सा ऑप्शन सही है उस पर आप टिक मारेंगे तो उस पर पोल्स बताता है कितना सही है कितना गलत है। 49वां प्रेडिक्शन से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं। 50वां कंपनी न्यूज, यानी आप जैसे कोई नया ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है या कोई BTech हो गया, कोई भी कोर्स मान लीजिए पढ़ के जब बाहर जॉब के लिए जाता है, तो सबसे पहले वो कंपनी के बारे में सर्च करता है कौन कंपनी अच्छा है, किस कंपनी में जॉब करना चाहिए। तो कंपनी से रिलेटेड आप अगर वीडियो बनाते हैं कंपनी की, मतलब इस कंपनी में भी हायरिंग चल रही है या ये कंपनी अच्छा है, ये कंपनी MNC है, ये कंपनी ये है, अगर इसके बारे में भी आप वीडियो बनाते हैं तो आपका चैनल बहुत तेज़ी से वायरल होगा और ग्रो करेगा और बहुत ज़्यादा व्यूज आएगा। तो दोस्तों यही था आज का 50 निश। अगर आप भी मेरे तरह नए यूट्यूबर हैं तो आप इन सब निशों पर कोई एक निश चूज कर लीजिए और वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरा तो दो चैनल है, मैं एक पर टीचिंग करता हूँ जिस पर लगभग क्लास 6 से लेकर 12 तक के मैथ और GS पढ़ाता हूँ, और दूसरा मेरा एक चैनल है टीच टेक जिस पर मैं टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।